Ya Limadad, welcome to the Global Ilam Midlas. Martaba Ilam Gera, Sab Hunar Upar Heye Ala, Ke Ilam Setora Pechana, Jine Apna Dilu Jala, Or Hunar Kamai, Sab Fanahove, Pechan Kudaki Rehve Baki, Yesuno Samjo Yada Jrako, Ye Farmae Koshare Saki. आज हम कलाम इमाम मुबीन
के फरमान नंबर 3 जो उर्दू बुक का सफा नंबर 4 है वहां से हम आगाज करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत इमाम आगा सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, उमर इब्ने अब्दुद एक काफर था, वो मौला मुर्तजा अली के सामने घोड़े पर सवार होकर लड़ने के लिए आया था। मौला मुर्तजा अली उस काफर से कद में काफी छोटे थे, इसलिए उस काफर को बहुत शर्म महसूस हुई और वो घोड़े से उतर कर मौला मुर्तजा अली के पास आया। फिर भी वो काफर मौला अली से कद में ऊंचा मालूम होता था। इससे पहले कि हम एक सवाल करें कि इमाम हमें अपने फरामीन में एक ऐसे वाकये का जिक्र करते हैं जिसका ताल्लुक आज हमसे नहीं है और ना ही हमारे जमाने से है और ना ही इस बात को सुनकर इसके अंदर हमारे लिए कोई गाइडेंस है और ना ही हमारे लिए कोई रूहानी तरक्की के लिए कोई इशारे हैं। तो सवाल पैदा होना चाहिए कि ऐसे फरामीन पढ़ने का आज क्या मतलब है, हमें क्या फायदा हो सकता है इन अल्फाजों से, क्योंकि हम तमाम जानते हैं कि मौला अली बहुत ही बहादुर थे और उनकी जुल्फिकार बहुत ही तेज थी। अब ये बात जानने के बाद हमको कोई भी अली के इश्क का किस्सा सुना दे, हमारे दिल में अली के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, लेकिन उसका हमें फायदा क्या है, इसके अंदर गाइडेंस क्या है, क्या सीखना है हमको, क्या मौला हमको समझा और सिखा रहे हैं यहाँ पर। आपको एक फरमान याद होगा जो हमने 10 रूहानी फरमान की किताब से पढ़ा था, कि मौला फरमाते हैं कि ये जो तरक्की और ये जो दर्जात की मैं बात करता हूँ तुम्हें इस फरमान में, वो ऐसा नहीं है कि वो अली मुर्तजा और उसके घर के लिए खाली रिजर्व है, बल्कि ये तमाम के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इस फरामीन की इन 2-3 लाइनों को पढ़ते हैं तो हमें फौरन से कनेक्शन नजर आता है, और वो क्या है कि हम जो एक बच्चे की मानिंद है रूहानियत के अंदर, बातिन के सामने और बातिन के अंदर हमारी हैसियत एक बच्चे की सी है और शैतान एक कदावर दुश्मन है और वो हमारा हमारे पर हर तरफ से हमला करता है, कभी सोच से, कभी आंखों से, कभी कानों से, कभी जबान से, कभी दिल में बुरे ख्याल से, कभी हाथों से और कभी पैरों से, वो हर तरफ से है, जाहिरन व बातिनन हमारी रूह पर अटैक करता है, हमला करता है, वार करता है, और उसके सामने हम बच्चे जैसे हैं, लेकिन आप अपने अंदर अली मुर्तजा के नाम की तलवार और अली मुर्तजा की जो हिम्मत थी उसको ना भूलें और आप इस दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। आप तमाम ने एक हजरत इब्राहिम का किस्सा सुना होगा, माफी हजरत दाऊद का किस्सा सुना होगा, कि जब वो बहुत ही छोटे थे और उन्होंने एक जंग में हिस्सा लिया, उनके बड़े भाई थे जो जंग लड़ते थे और बड़े पहलवान और लड़ाकू थे, लेकिन दाऊद इस मामले में कद में और जिस्म
में छोटे से मौला अली ही की मिसाल पर, तो वो जिस्म के लिहाज से भी यानी वो पहलवानी से और कद में भी छोटे थे। जब वो मैदान में जंग में अपने वालिद अपने भाइयों के साथ गए तो उस पहलवान ने एक एक करके तमाम को शिकस्त दे दी। तब हजरत दाऊद ने दरखास्त की कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं से लड़ना चाहता हूँ। तो वालिद ने फरमाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, क्योंकि वो उम्र में भी छोटे थे, कद में भी छोटे थे, और कोई भी यानी के पहलवानी उसके अंदर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जो बात मैं जानता हूँ, जो हुनर मेरे पास है और जो अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास है, मैं उससे लड़ूंगा। इससे पहले कि हम इस किस्से के अंदर आए उसका एंड देखें क्या हुआ, हमारे पास इसी तरह से अल्लाह का दिया हुआ इमाम का इस्मे आजम, इमाम का हकीकी इल्म, ईमान और इबादत है, जिससे हम बड़े बड़े शयातीन पहलवान को गिरा सकते हैं। और इल्म वाली ही रूह होती है जो शयातीन को मात करके दर्जा ब दर्जा बुलंद करती है। तो जब हजरत दाऊद ने जिद की तो उनके वालिद ने उनको बख्तर बन, जो आर्मर होता है, लोहे का लिबास होता है, जो पुराने जमाने के अंदर जंग करने के वक्त लोग पहनते थे, तो उसको वो बख्तर बन वो आर्मर पहनाया गया। वो आर्मर इतना बड़ा और इतना भारी था कि दाऊद चल नहीं पा रहा था, वो नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा साइज में, क्योंकि वो तो लड़ाकों के लिए बनाया गया था, ना कि किसी बच्चे और छोटे कद के आदमी के लिए, तो वो चल नहीं पा रहा था। तो उसने ये लिबास उतार दिया और ऐसा ही नेता, उसके हाथ में कोई भी तलवार नहीं और वो पहलवान के सामने कूद गए लड़ने के लिए। इसी तरह से जिस तरह से मौला अली के जमाने में हुआ, जब उस पहलवान ने देखा कि एक बच्चा मुझसे लड़ने आया है जबकि मैं नामी ग्रामी पहलवान हूं और इस बच्चे ने कोई बख्तर बंद भी नहीं पहना हुआ है, तो उसने भी अपना आर्मर और लिबास लोहे का उतार दिया। जब दाऊद ने देखा उसको कि अब वो आ गया है नेता सामने, तो उसने अपने जेब से एक पत्थर और गिलोर निकाला। कहते हैं कि जब हजरत दाऊद जंग के लिए जाया करते थे और जा रहे थे उस दिन, तो रास्ते में एक पत्थर ने उसने कलाम किया कि ए दाऊद मुझे उठा ले, मैं तेरे काम आऊंगा। अब सोच सकते हैं कि हजरत दाऊद बचपन में कितनी रूहानियत पर पहुंचे हुए थे कि वो पत्थर की आवाज सुनते हैं और उससे हम कलाम होते हैं। ये है रूहानियत के माजिजात। और हजरत दाऊद ने अपनी जेब से उस पत्थर को निकाला और उस गिलोर के अंदर रख कर दे मारा, जिससे उस पहलवान के पेशानी में खड्डा हो गया और वो उससे मर गया। कोई तलवार नहीं, कोई जौहर नहीं और कोई पहलवानी नहीं। हजरत दाऊद ने उसको अक्ल से हलाक कर दिया। इसी तरह मौला अली जब काफरों के दरमियान में जाया करते थे तो उसके अंदर जो इलाही नूर
जिसको नूर फहाल कहते हैं, और ये नूर इतना तेजी से चलता था और मौला अली इतना तेजी से अपनी तलवार घुमाते थे कि कहते हैं कि हर वार में जो लोगों को शहीद या कत्ल कर देते थे, यानी कि मौला अली की जो तलवार थी वो दोहरी तलवार थी और वो उल्टे और सीधे हाथ पर खड़े दो लोगों को एक साथ एक ही वार में तलवार के जर से और उसकी जो बर्क रफ्तारी थी उससे वो कत्ल कर देते थे। ये तलवार की दो रफ्तारी के बारे में मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये है आपके इल्म और अमल की दो तलवार, इल्म और अमल की, इसमें आजम और इबादत की, ईमान और यकीन की, जिससे आप एक नहीं बल्कि शयातीन के हर वार को, चाहे वो इंसी हो या जिन्नी, आप उसको हलाक करके रूहानियत के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। आए दोबारा फरमान की तरफ, जब हजरत उमर ने पैगम्बर सल्लम के पास अर्ज रखी कि या रसूल हमें इसके लड़ाई करना वाजिब नहीं क्योंकि वो काफिर बहुत ताकतवर है, एक बार मैंने उसकी लड़ाई देखी थी तब उसके पास डाल भी नहीं थी, उस वक्त डाल की बजाय एक ऊंट खड़ा हुआ था, तो उसको पकड़कर उस ऊंट की डाल बनाकर लड़ाई की थी। इसके बाद मौला ने फरमाया वो कितना ताकतवर और बहादुर होगा, वो कितना ताकतवर और बहादुर होगा जिसने ऊंट की चारों टांगों को पकड़कर उसकी डाल बनाई, ऊंट को पकड़ना मुश्किल है, जब उसने ऊंट को पकड़ा तो उसमें कितनी ताकत होगी, इतना ताकतवर होने के बावजूद मौला मुर्तजा अली ने इस काफर को कि एक ही वार में दो टुकड़े कर दिए। आप मिसाल को समझ गए कि ये किसी मिसाल है, को इतना ताकतवर था लेकिन मौला अली की जो तलवार थी जो नूर फहाल काम करता था उसने उसको एक ही वार में दो टुकड़े कर दिए। यानी कि आप भी अपने इसमें आजम से, अपने ईमान से, अपने इल्म से, अपनी इबादत से, अपने अच्छे आमाल से शयातीन को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये सीखना था ना कि अली मुर्तजा के बारे में कोई हिस्ट्री पढ़नी थी, क्योंकि फरामीन हिस्ट्री की किताब नहीं है, फरामीन हमारी हिदायत के लिए है, हमारी रूहानी तरक्की के लिए है, हमें कोई बात समझाने के लिए है, ये मिसालें हमारी समझ के लिए मौला ने यहाँ पर फरमाए हैं। आगे चलते हैं, असूल दीन इस्लाम के हमेशा चलती यानी तरक्की है, असल दीन इस्लाम की हमेशा चलती यानी कि तरक्की है। वो काफर ये समझता था कि मेरे बराबर कोई नहीं, जिस तरह से शैतान ये समझता है कि उसके बराबर कोई नहीं और वो हमले करता रहता है, लेकिन जो मोमिनीन है उसके सामने वो टिक नहीं सकता, इसीलिए वो मौला मुर्तजा अली के सामने लड़ने के लिए आया, लेकिन मौला मुर्तजा अली ने उसको एक ही वार में खत्म कर दिया। इस काफर के साथ दूसरे काफर भी थे लेकिन वो मुर्तजा अली से हैबत नहीं सकते थे, मेरे ख्याल में ये वर्ड यही है, मौला अली से जीत नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई ताकतवर है जो मौला मुर्तजा अली से जीत सके, आखिर में इस काफर को भेजा था। इसके बाद
जो भी लड़ाई के लिए भेजे गए थे मुर्शिद अली ने उन सबको एक ही वार में दो टुकड़े कर दिए थे। देखो मुर्तजा अली की बहादुरी और बड़ाई कैसी है, जितने काफर आए मुर्तजा अली ने हम सबको कत्ल कर दिया। पूरी दुनिया भी मुला मुर्तजा अली के सामने लड़ने के लिए आए फिर भी नहीं जीत सकती। यानी के काफर और शैतान आप पर कहीं से भी वार करे, कितने ही वार क्यों ना करे, चाहे वो इंसी शयातीन हो या जिन्नी शयातीन हो, यानी कि वो बाहर से आपके पर हमला करे या अंदर से आप पर हमला करे, अगर आपके पास मौला अली मुर्तजा का कॉल है जिसमें आजम है तो आप भी अली ही के नाम से और अली ही की तरह ताकतवर बनकर उनको तमाम कर सकते हैं। आगे फरमाते हैं मौला मुर्तजा अली ने सबके एक ही बार में दो टुकड़े कर दिए। देखो मुर्तजा अली की बहादुरी और बड़ाई कैसी है, जितने काफर आए मुर्तजा अली ने सबको कत्ल कर दिया। पूरी दुनिया भी मुर्तजा अली के सामने लड़ने के लिए आए फिर भी नहीं जी सकती। इस्लाम दीन हमेशा से कायम है और कायम रहेगा, मुर्तजा अली को कोई नहीं जीत सकता। मौला मुर्तजा अली को तुम छोटा मत समझना, छोटी उम्र का देखकर भूला नहीं इनका मर्तबा। देखो मौला मुर्तजा अली का दीदार कोई नहीं कर सकता, फिर भी तुम खुशकिस्मत हो कि रोजाना मौला मुर्तजा अली का दीदार करते हो। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा हुआ, पहले मौला फरमाते हैं जो यहाँ पर छोटी उम्र की बात हो रही है, क्योंकि उस जमाने में यानी कि जब मौला 8 साल की उम्र में गादी वारिस हुए थे तो लोगों ने समझा था कि ये छोटा इमाम है और हमारे बुजुर्ग इमाम यानी कि अली शाह और हसन अली शाह अब हमारे साथ नहीं है, उस वजह से मौला ने ये फरमान मिसाल के तौर पर फरमाया था। अब यहाँ पर के कोई भी मौला मुर्तजा अली का दीदार नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर मौला मुर्तजा अली इस दुनिया में हर हमेशा जिंदा और कायम है, चाहे उसका नाम अली हो, सुल्तान हो या करीम हो, तो फिर हर शख्स जो आंखें रखता है वो मौला की दीदार करता है। अब इस पार्ट को समझने के लिए हमें एक और लेवल पर एक और नुक्ते पर तवज्जो देनी होगी कि इमाम के दीदार, इमाम यानी कि अली जमान का दीदार दो दर्जात पर है। एक जाहिरी दीदार है जो हर शख्स जो आंखें रखता है उसको देख पाता है। मौला के हुजूर में हजारों लोग काम करते हैं जो मौला को जाहिरन रोजाना देखते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो एक मोमिन से ज्यादा खुशकिस्मत है? क्योंकि हमारे लिए दीदार तो कभी 10 साल में तो कभी 20 साल में आता है, जबकि उनके लिए तो ये रोजाना ही दीदार है। उससे पता चला कि यहाँ पर दीदारे बातीन की बात हो रही है कि दीदारे बातीन अली हर एक के लिए नहीं है लेकिन आपके लिए है। और मौला फरमाते हैं कि आपके लिए तो रोजाना ही है। अब यहाँ पर एक और सोचने की बात आई कि हमारे लिए रोजाना अली का दीदार किस तरह से है, कहाँ है और कब है? यहाँ पर एक दावत है हमारे लिए मोमिनों के लिए,
कि आप अपने दिल के आईने को इतना साफ करें कि जब जब सजदे में जाएं आपको अली का दीदार नसीब हो, यानी कि हर दुआ में 6 मरतबा रोजाना 18 मरतबा आपको अली का दीदार नसीब हो, तब ये फरमान हम पर लागू होगा कि आपके लिए तो रोजाना ही अली का दीदार है। अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज कम 1 मरतबा रोजाना इबादत में इमाम का दीदार हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम अज कम 1 मरतबा ख्वाब के अंदर रोजाना इमाम का दीदार हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम अज कम अपने ख्याल में रोजाना 1 मरतबा इमाम का दीदार करें, क्योंकि ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। इससे क्या भी हमने सीखा और समझा कि दीदार अलेदा अलेदा लेवल्स पर है, दर्जात पर है, और दीदार के लिए यकीन और ईमान और इबादत और इसमें आजम वो मोमिन के हाथ में है। खुदा कुरान में फरमाते हैं कि वो लोग जो इमाम को इस दुनिया में, यानी कि अल्लाह को इस दुनिया में नहीं देखते हैं, वो अपने हाथों से अंधे हैं, वो अपने हाथों से अंधे हैं। याद रखें हमारे जो सीखने और सिखाने का तरीका है कि कुछ सवाल आते जो हम अपने आप से पूछते हैं, हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, जवाब अपने आप को देना है कि मैं दिन में कितनी मर्तबा इमाम का दीदार करता हूं, चाहे फिर वो सबसे नीचे ख्याल के अंदर हो, फिर उससे ऊपर खाब के अंदर हो, फिर उससे ऊपर इबादत के अंदर हो, या उससे ऊपर हर दुआ में 6 मरतबा दीदार हो, तो हमारे हाथ में है। और सवाल भी हमारे लिए है और जवाब भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। इस पर हमको सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब हम सोचेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत भी करेंगे तो इंशाल्लाह दीदार भी नसीब होगा ज्यादा से ज्यादा। आमीन। आइए दोबारा से हम फरमान की तरफ चलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, 1 मरतबा हजरत मूसा पैगंबर कोहे सूर पर खुदा के दीदार के करने के लिए गए और अर्ज की, या खुदा अपने दीदार कराए। तब हुक्म हुआ कि पहले तुम मुर्तजा अली के नूर का दीदार करो, इसके बाद मेरा दीदार कर सकोगे। उस वक्त मुर्तजा अली बातिन में थे। तुम जमात खुशकिस्मत हो कि रोजाना मुर्तजा अली के दीदार करते हो। कानावदान। इस मिसाल से हमको दोबारा से समझ में आ गया कि पहले इमाम का जाहिरी दीदार और इमाम पर जाहिर में ईमान लाना दरकार है। जो शख्स इमाम पर जाहिर में दीदार करने का यकीन नहीं रखता है, यानी कि जिसने इमाम को जाहिर में छोड़ दिया, उसके लिए यही दीदार जो बातिन में इमाम हमारे लिए दुआ फरमाते हैं कि कम अज कम जिंदगी में तुमको 1 मरतबा मेरे नूर का दीदार हो, फिर वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने ही हाथों से इमाम के जाहिरी दामन को छोड़ दिया। कुरान में एक और जगह पर खुदावंद अल्लाह फरमाते हैं
कि जो ऐसे लोग हैं जो ईमान नहीं लाते हैं वो बहुत ही दूर के भटके हुए हैं। दूर के भटके हुए से क्या मुराद है? कि वो ईमान के दीदार से बहुत दूर हो जाते हैं, बल्कि वो अपने हाथों से वो दीदार जो इसको इस दुनिया में मुहैया किया गया था उससे वो दूर हो गए, और वो राय रास्ते है सीधे रास्ते से बहुत ही दूर हो जाते हैं। यहाँ पर ये फरमान नंबर 3 खत्म होता है, आए हम फरमान नंबर 4 पर चलते हैं। फिर आगे जाके कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लेना। फरमान नंबर 4, हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, मौला मुर्तजा अली की बड़ाई देखो। एक मरतबा एक शख्स ने नबी साहब के पास जाकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह मुझे हक दिखाइए। तब नबी साहब फरमाया इस पर्दे के पीछे जाकर देखो। तब उसने पर्दे के पीछे जाकर देखा, उस वक्त मौला मुर्तजा अली नमाज के बाद दो दुआ मांग रहे थे कि या खुदावन नबी साहब की उम्मत को निजात दे। वो शख्स वहां से ये मंजर देखकर नबी साहब के पास आया तो नबी साहब को भी हाथ उठाए ये दुआ मांगते देखा कि या खुदावन जो कोई मौला मुर्तजा अली से मोहब्बत रखते हैं उनके गुनाहों को माफ कर और उनको दीदार नसीब कर। अब यहाँ पर हमें दोबारा से अली की इमामत और उस वाक्य को याद करना होगा जब कदीर खुम के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की इमामत को जाहिर किया और उसके बाद उनका हाथ उठाकर लोगों को बताया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, और इसके बाद दो हाथ उठाकर दुआ फरमाई। इस दुआ को अगर आप याद रखेंगे तो इस फरमान को भी समझ जाएंगे, और वो ये थी, या अल्लाह जो अली के पीछे पीछे है, जो अली के मददगार है तू उसका मददगार हो जाना, और जो अली के दुश्मन है तू भी उसका दुश्मन हो जाना, और हक को अली के पीछे पीछे चला दे। जिस तरफ अली मुड़ जाए उस तरफ तू हक को मोड़ देना। क्या फरमाया? जिस तरफ अली मुड़ जाए हक को उसके पीछे मोड़ देना। बड़ा अजीब बात है, हक के पीछे इंसान चलता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हक को अली के पीछे चलाना। क्या मतलब है इसका? इमाम हक होता है और इमाम जो भी काम करता है, जो भी फरमाता है, जो भी कहता है, जो भी करता है वो हक 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 है और वो हक बन जाता है। हक अली के साथ है, अली हक के साथ नहीं, क्योंकि अली तो अस खुद नूर है और नूर से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। तो अली को हक के पीछे नहीं, हक को अली के पीछे चलना था। क्यों? कि अली अस खुद जिंदा हक है और साहिब हक है, यानी कि जो वो कहता है जो वो करता है वो हक हो जाता है, चाहे लोगों की नजर में वो अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मरतबा एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे अली के बारे में कंप्लेन है,
कि वो कुछ गलत करता है मेरी नजर में। फरमाया कि बंदा है मोमिन, तू मुझसे क्या चाहता है? मैं अली से हूँ और अली मुझसे है, यानी कि अगर तू कहता है कि अली ने कुछ गलत किया तो तू कहता है कि मैंने कुछ गलत किया। आपने देखा यहाँ पर एक नूर की तरफ इशारा था कि जब नूर के साथ जो शख्स होता है उसका हर कॉल और फेल हक होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अल्फाजों पर गौर कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जो इमाम करता है, मैंने कहा जो शख्स नूर के साथ होता है वो जो भी कॉल और फेल करता है वो हक हो जाता है। यानी हमारे वो इमामान, हमारे वो हुज्जतान, हमारी नूरानी फैमिली, हमारे पीर और दाई जो फनाफी इमाम है और वो आरिफीन कामलीन जिन्होंने अपने आप को इमाम के नूर के साथ एक किया है, वो जो कहते हैं उनका कॉल और वो जो करते हैं उनका फेल वो हक है और वो हक हो जाता है, चाहे वो हमारी नजर में अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो अगले करीजी से सोचते हैं। अगले करीजी इन कंप्लीट इंटेलेक्ट, अधूरी आधी अकल। जबकि इमाम जो कहता है और करता है वो अकले कुल्ली से करता है, अकले कुल्ली मोस्ट कंप्लीट इंटेलेक्ट। तो आप समझिए इस फरमान का यहां पर मतलब कि हक वो इसलिए अली के पीछे है क्योंकि वो सरतापा नूर है और वो खुद हक है और हर चीज उसके पीछे है। तो कभी कभार जो हमारे दुआएं हैं, जिस तरह से ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लोग समझते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अली को हक के पीछे चलना है। नहीं, हक को अली के पीछे चलना था। और जो भी अली मुर्तजा के पीछे है वही मोमिनीन है, वही पाकीजा है, वही निजात पाने वाले हैं, वही आज भी जन्नत में है और कल भी इमाम के हुजूर में उसके साथ जन्नत में होंगे। आगे चले। इसके बाद मौला ने फरमाया, नबी मोहम्मद से पहले मुर्तजा अली तमाम अंबिया के साथ बातिन में थे और नबी मोहम्मद के जमाने में जाहिर में साथ थे। शुरू में जब कुछ नहीं था, तब मुर्तजा अली ने छोटा रूप धारा था। मौला ने मिसाल देकर फरमाया, एक मर्तबा एक कदावर और ताकतवर देव था जो वो जिसको देखता था उसको मार डालता था और लोगों को बहुत सताता था। एक मर्तबा मौला मुर्तजा अली ने 9 साल की उम्र में, तब मौला मुर्तजा अली ने फरमाया, आओ मेरे साथ कुश्ती लड़ो। देव ने मौला मुर्तजा अली की छोटी उम्र को देखकर जवाब दिया कि मैं तेरे साथ क्या कुश्ती लड़ूं, मैं तो बड़े बड़े पहलवानों को साथ कुश्ती लड़ता हूँ। मौला मुर्तजा अली ने फरमाया कि देखो तुम्हारे हाथ में कितनी ताकत है, देखो
देख, फिर उसका हाथ पकड़कर उस पर इतना ज्यादा जोर डाला कि उस देव की सारी ताकत खत्म हो गई और दूसरे हाथ को पीछे से पकड़कर खजूर के दरख्त के रस्से से दोनों हाथों को बांध दिया और फरमाया, तुम कहते थे कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ता हूँ लेकिन तुम में तो इतना भी जोर नहीं है। ये फरमा कर मुर्तज़ा अली उसके नजरों से उजल हो गए। ये देखकर देव अपने हाथ छुड़ाने के लिए यहाँ वहां भाग दौड़ करने लगा लेकिन कोई भी उसके हाथ नहीं छुड़ा सका। दुनिया में जितने पैगंबर भी आए, ये देव अपने हाथ छुड़ाने के लिए उनके पास जाता रहा। तब उसको जवाब में एक ही बात कही जाती थी कि जिसने तेरे हाथों को बांधा है सिर्फ वही छुड़ा सकता है। मैं इस पैराग्राफ को अभी फिनिश करके फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगेन, इन कहानियों से हमें क्या रूहानी नसीहत मिलती है वो हमको सीखना है, ना कि कहानियां पढ़कर हमको खुश होना है। जब आखिर जमाने में पैगंबर नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जाहिर हुए, तब उस देव ने आपके पास आकर अर्ज की, या नबी साहब मेरे हाथ छुड़ा दे। पैगंबर साहब ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ किसने बांधे? तब देव ने सारी हकीकत को कह सुनाई और कहा, मैं सब जमाने के पैगंबरों के पास गया लेकिन सब ने आपके पास आने के फरमाया और ये भी फरमाया कि जिसने ये हाथ बांधे है वही छुड़ा सकता है। इस बात को हजारों साल बीत गए हैं और अब मैं आपके पास आया हूँ। ये सुनकर नबी साहब ने फरमाया, जिसने तुम्हारे हाथ बांधे हैं क्या तुम उनको देखकर पहचानोगे? तब देव ने जवाब दिया के कहा और कहा हाँ, और हाथ बांधने वाले की सूरत बयान की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्ला मुर्तज़ा अली को बुलाने के लिए फरमाया। मुल्ला मुर्तज़ा अली की उम्र उस वक्त 9 साल की थी। वो गुलाम के कंधे पर बैठकर तशरीफ लाए। मुल्ला मुर्तज़ा अली को देखकर वो देव कांपने लगा और कहा, ये तो वही लड़का है जिसने मेरे हाथ बांधे थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्ला मुर्तज़ा अली से फरमाया हाथ खोल दो, और मुर्तज़ा अली ने देव के हाथ खोल दिए। इस बात से देव ईमान ले आया और वो मुसलमान हो गया, मुल्ला मुर्तज़ा अली का मुरीद हो गया। तुम देखो, ऐसा काफर जैसे देव मुर्तज़ा अली की कमालत देखकर आपने आप सल्लम पर ईमान लेकर मुसलमान बन गया। खाना बदान। अच्छा, अब आए हम इस मिसाल को समझने की कोशिश करें। अब सोचें कि अगर अली मुर्तज़ा हर पैगंबर के साथ थे, चाहे वो जाहिर में थे चाहे वो बातिन में थे, या जिस तरह से भी हम सोचते हैं या समझते हैं, तो जब वो देव पहले पैगंबर के जमाने में गया उसके पास, तो क्यों उसने मौला अली को पुकार कर नहीं फरमाया कि इसके हाथ खोल दो? फिर वो दूसरे पैगंबर के पास गया होगा, फिर वो तीसरे पैगंबर के पास गया होगा, लेकिन कोई भी उसके हाथ नहीं खोल पाया। अब यहाँ पर हमारे लिए एक मसला खड़ा हो गया, क्योंकि पहले मौला ने फरमाया कि अली हर जमाने में हर पैगंबर के साथ था। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हर पैगंबर ये कहता था कि जिसने तुम्हारे हाथ बांधे हैं तुम उसके पास जाओ, यानी कि उनके जमाने में उनको अली या तो नहीं पता था या नहीं देखते थे या नहीं समझते थे कि अली उसके साथ बातिन में है। ये क्या मामला है, हम उसको किस तरह से समझेंगे? ऐसे सवाल करके हमको फरामीन को सीखना और समझना है। यहाँ पर ना तो कोई जाहिरी देव था, ना ही कोई जाहिरी तौर पर
मुला ने किसी के हाथ बांधे थे। यहाँ पर ये एक मिसाल है, एक बात हमें समझानी थी और वो क्या थी कि बड़े बड़े शयातीन इल्मी और रूहानी तौर पर एक बच्चे के सामने भी कुछ अहमियत नहीं रखते हैं। उस्ताद कामिल आरिफ कामिल जबान फरमाते हैं कि एक मुरीद जो इल्म और अमल में मजबूत हो वो बड़े बड़े स्कॉलर्स बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को हाथ पकड़ कर बिठा सकते हैं। दोबारा से सुने, आरिफ कामिल जमान फरमाते हैं कि एक मोमिन जो ईमान में मजबूत हो वो बड़े बड़े आलिमों को हाथ पकड़ कर बिठा सकते हैं। यहाँ पर जो जंग थी और जो बात समझने की थी वो मौला अली या किसी बच्चे की नहीं थी। यहाँ पर मिसाल दी गई कि एक बच्चा भी किसी बड़े आलिम को हाथ पकड़ के बिठा सकता है अगर अगर उस बच्चे के पास ईमान और इसमें आजम की ताकत हो। तो वो देव वो बड़ा गुरूर करने वाला शायद आलिम था कि जिसको किसी जमाने में एक बच्चे ने हाथ पकड़ के बिठा दिया था, मिसाल के तौर पर अली मुर्तजा ने, और उसको इतना जमाना लग गया इस हकीकत तक पहुंचते हुए कि ये इल्म की जो गुत्थी है, ये इल्म की जो बंदिश है, जो रस्सी है, वो सिर्फ और सिर्फ अली मुर्तजा ही अपने इल्म से और अपने इस्मे आजम से अपने नूर से खोल सकता है। आज अगर कोई बड़ा आलिम किसी ऐसे इस्माइली मोमिन के सामने आ खड़ा हो, लेकिन शर्त क्या थी कि वो मोमिन इमाम के इल्म से आरस्ता हो, इमाम के नूर से आरस्ता हो, इमाम के इस्मे आजम के साथ हो और ईमान मजबूत हो तो वो उसको हाथ पकड़ कर बिठा देगा और फिर इसका हाथ कोई भी नहीं खोल सकेगा जब तक के अली मुर्तजा ना चाहे, जब तक के इमाम ना चाहे तब तक वो नहीं कर सकेगा। यानी कि उसको दोबारा से उसी बच्चे के पास आना पड़ेगा उस इल्म के मसले को हल करने के लिए, उस इल्म की गुत्थी सुझाने के लिए। ये थी मिसाल एक देव के हाथ बांध देना। जाहिर में हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े आलिम होते हैं जो कुछ किताबों का इल्म लेकर समझते हैं कि वो दीन को जानते हैं। हम देखें ये फरामीन जो हमारे सामने है जिसको हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको समझने लगते हैं तो हमारे सामने ये बात रोशन हो जाती है कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है और इल्म के साथ
नूर और इस्मे आजम की कितनी जरूरत है, ताकि हम ऐसे फरामीन जो मिसालों में मौला ने फरमाए हैं उसको हम समझ सकें, वरना जो भी उर्दू गुजराती इंग्लिश पढ़ सकता है वो फरामीन को पढ़ सकता है। फरामीन को पढ़ना अखबारों की तरह पढ़ना, सरी सरी तौर पर ऊपर से पढ़ लेना एक अलग बात है, और फरामीन को समझकर इमाम के नूर की रोशनी में पढ़कर आगे चलना अलग बात है। इसलिए जरूरी हुआ कि इमाम के फरामीन को इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह से इमाम ने उसको पढ़ने का फरमान किया है, हुक्म किया है। तो यहाँ पर हम रोकते हैं, इंशाल्लाह हम फरमान नंबर 5 से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद इसके बाद हमारा चर्चा होगा। बहुत नवाजिश, अब अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लेना। बहुत नवाजिश, थैंक यू। या अली मदद, या अली मदद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मुख्तार। सबको गुजारिश है बस अपने घर पे मेहनत करना, इबादत करना और अपने अमाल सुधारना। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को 11:30 बजे। अली मदद।